आज किस वीडियो में हम सीखेंगे कि YouTube अकाउंट की सेटिंग किस तरह से की जाती है, क्योंकि जो भी न्यू अकाउंट्स होते हैं उनके लिए कुछ सेटिंग्स रिक्वायर्ड होती हैं, जो आपको 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वाचर जो आर्स होते हैं उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाती है वो सेटिंग्स आपके लिए। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले आप अपने चैनल को जो है वो ओपन कर लेंगे इस तरह से। ये मेरा एक और चैनल है, जस्ट इस तरह की वीडियोस के लिए मैंने बनाया हुआ है। तो आपने इस चैनल को अपने को ओपन कर लेना है, और उसके बाद आपने ये लेफ्ट साइड पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे ये आपको सेटिंग का बटन नज़र आएगा। इस सेटिंग के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो है ये जो पहले नंबर पे आपको शो हो रहा है कि चैनल स्टेटस एंड फीचर्स, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। तो आपके सामने इस तरह से स्क्रीन ओपन हो जाएगी। तो आपने जो है ये जो पहले चैनल है इसके ऊपर क्लिक करना है, अगर इसके ऊपर ना हो, क्योंकि अभी ये आप देख रहे हैं ऑटो ये ओपन हो के आ गई है स्क्रीन, तो आपने चैनल पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे बेसिक इन्फो लिखा हुआ है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। तो जो भी आपका कंट्री है आप उस कंट्री को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, और देन आपने जो है वो अपने चैनल के कीवर्ड्स रखने हैं, जिस टॉपिक के ऊपर आप वीडियोस बनाते हैं उसके रिलेटेड आपने अपने वर्ड्स डालने हैं। जिस तरह आपका अगर यूट्यूब अकाउंट के बारे में है कि आप बताते हैं कि यूट्यूब अकाउंट जो है वो किस तरह से बनाया जाता है, तो हाउ टू क्रिएट यूट्यूब अकाउंट, तो इस तरह से आपने कुछ अपने कीवर्ड्स रखने हैं ताकि कोई भी जो बंदा आए, कोई उस गूगल के ऊपर कोई चीज़ सर्च करे तो आपकी जो चीज़ है वो भी आनी चाहिए सर्च के अंदर। तो यहाँ से आपने कीवर्ड्स जो है वो अपने चैनल के अकॉर्डिंगली किस तरह से डालने हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल मेरे को इंफॉर्मेशन रिलेटेड चीज़ें मैं प्रोवाइड करता हूँ, कोई न्यू इंफॉर्मेशन, कोई एजुकेशन के रिलेटेड, या हम इसी चीज़ को अगर डाल लेते हैं कि किस तरह से यूट्यूब का अकाउंट क्रिएट करना है, तो आपके लिए जो वेबसाइट है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूँगा। ये जो रैपिड टैग्स है, और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं अगर आप यूज़ करना चाहें, लेकिन मुझे ये सबसे अच्छी लगी, काफ़ी अच्छे इसके जो है वो टैग्स और कीवर्ड्स ये फाइंड आउट करके देती है। तो अगर आप यहाँ पे इस वेबसाइट के ऊपर आएँ और फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं कि हाउ टू क्रिएट अ यूट्यूब अकाउंट, तो अगर हम इंटर करते हैं तो ये देखें कितने कीवर्ड्स जो हैं ये इसने हमें निकाल के दे दिए हैं, और ये आपके चैनल के कीवर्ड्स हैं। यहाँ से आप टैग भी निकाल सकते हैं, उसको भी आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो है ये आपने कॉपी कर लेने हैं, और कॉपी करके आप अपने इस कीवर्ड्स के ऊपर यहाँ पे आके पेस्ट कर दें। तो जैसे आप पेस्ट करेंगे तो ये सारे आपके आ जाएंगे। अब आपने फॉर एग्ज़ाम्पल यूट्यूब के बारे में बता रहे हैं तो वो सारी चीज़ें आपकी आ गई। अब आप चाह रहे हैं कि आप किसी और के बारे में भी कुछ बताते हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये कहते हैं कि एजुकेशनल वीडियोस आप डालेंगे, तो जो आपका टॉपिक है उस टॉपिक के रिलेटेड आप करें, तो ये डिफरेंट देखें कि एजुकेशनल वीडियोस फॉर किड्स और डिफरेंट जो है आपके कीवर्ड्स आ गए। तो आप जिस तरह के भी वीडियोस बनाते हैं जस्ट उस रिलेटेड चार पांच तरीके से आप यहाँ से कीवर्ड्स निकाल लें और उन सबको यहाँ से कॉपी करें और अपने चैनल में, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कितने डालें, यहाँ पे जितने आपकी मर्ज़ी है आप उतने यहाँ पे डाल सकते हैं। बेशक अगर मैं कोई और चीज़ फाइंड आउट करना चाहूँ और यहाँ से अभी अगर मैं आप डालते हैं कि एजुकेशन का इम्पैक्ट क्या होता है आपकी सोसाइटी के ऊपर, तो हम ये कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल वट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन, तो ये एजुकेशन के रिलेटेड आ गए हैं कि एजुकेशन का इम्पैक्ट जो है वो क्या है आपकी सोसाइटी के ऊपर, तो डिफरेंट आपके कीवर्ड्स आ गए हैं। आप यहाँ से इसको कॉपी करें और इसको भी जाके इधर पेस्ट कर दें। तो इस तरह से आप जो है जितने मर्जी चाहें आप जितने टॉपिक्स के अंदर सब टॉपिक्स के ऊपर आप वीडियोज़ बनाते हैं तो उन सब के आप कीवर्ड्स यहाँ पे डाल सकते हैं। तो इससे होगा ये कि आपकी जो वीडियो है वो रैंकिंग के अंदर आना शुरू हो जाएगी। अब अगर हम एडवांस सेटिंग के अंदर आते हैं तो इसके अंदर ये तीन ऑप्शन आपको शो हो रहे हैं कि ये चैनल जो है ये किड्स के लिए है, ये किड्स के लिए नहीं है, और ये आपकी जो हर वीडियो अगर रिव्यू में चली जाए पहले तो आपने इसको नो में रखना है, क्योंकि किड्स वाली में आप करेंगे तो आपको कोई अर्निंग और उस तरह से कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन आपने इसको फिर नो के अंदर करना है ये सेटिंग जो। और देन अगर आप चाहते हैं कि स्टार्ट में लोग
आपके जो है वो जितने आपके सब्सक्राइबर्स हैं वो ना देख सकते, तो यहाँ पे आप जो है इसको अनचेक कर देंगे, और अगर आप इसको टिक कर देंगे तो आपके जितने भी सब्सक्राइबर्स होंगे वो लोग आपके देख सकेंगे। और मेरी रिकमेंडेशन यही है कि अगर आपका न्यू ग्रोइंग चैनल है स्टार्ट के अंदर, तो इसको अनचेक रखें कि लोग जो है वो आपके सब्सक्राइबर्स ना देख सकें, क्योंकि इससे एक साइकोलॉजिकल एक इम्पैक्ट आता है कि अगर आपके सब्सक्राइबर कम है तो आपको न्यू इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं मिलते। तो स्टार्ट के अंदर इसको जो है वो अनचेक रखें, बाद में जो है आप इसको शो कर सकते हैं। तो अभी हम जस्ट यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो इसके बाद जो है आप इसको सेव कर दें यहाँ से। एक और ऑप्शन जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं। अगर यहाँ पे जो हमने अभी ये चीज़ देखी आपके चैनल के अंदर, हो सकता है कि ये डिफरेंट चैनल के अंदर डिफरेंट आ रही होती है, कि अगर आपके चैनल के अंदर यहाँ पे बेसिक एडवांस सेटिंग और इसके आगे एक ब्रांडिंग का ऑप्शन आता है, तो अगर आपका ब्रांडिंग का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है तो जो अभी नेक्स्ट में डिस्कस करने जा रहा हूँ वो आप यहाँ से इसको सेटिंग कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल में जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे ब्रांडिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो फिर आपको जो सेकंड वे है वो मैं आपको बताता हूँ कि उससे आप कैसे इसको कर सकेंगे। तो आपने ये जो मोनेटाइजेशन लिखा हुआ है इसके नीचे लाइक कस्टमाइजेशन है, इस पर क्लिक करना है। कस्टमाइजेशन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे सेकंड नंबर पे आपकी ब्रांडिंग है। इसका फ़ायदा क्या है ये मैं आपको अभी बताता हूँ। आप ब्रांडिंग पे क्लिक करेंगे तो आप जो है ये लास्ट पे आएंगे तो देखेंगे वीडियो वाटरमार्क का एक सब कंपोनेंट शो हो रहा है आपको, और इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे एक वीडियो वाटरमार्क लगा देंगे सब्सक्राइबर्स का। तो आपका जो भी बंदा उस वीडियो के ऊपर अगर उसका हाथ भी उस जगह पे लग गया तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो आपका चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे अपलोड के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे देखें ये जो है यहाँ पे पड़ा हुआ है, जो आप कोई भी इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, तो इसको अगर मैं अपलोड करता हूँ तो ये जस्ट यहाँ पे आपने डन करना है, तो ये यहाँ पे आपका शो होना शुरू होगा। अब जो भी वीडियो आप चलाएंगे वो उस वीडियो के यहाँ पे शो होगा, और जैसे ही किसी का हाथ इस कोने में लगेगा तो आपका चैनल ऑटोमेटिकली सब्सक्राइब हो जाएगा। तो यहाँ पे तीन ऑप्शन आ रहे हैं कि आपने वीडियो के एंड पे लगाना है, किसी खास टाइम के ऊपर लगाना है, कस्टम टाइम के ऊपर, या पूरी वीडियो में वो शो होता रहे, तो आप पूरी वीडियो के ऊपर उसको शो कर दें, और ये यहाँ से आके आपने राइट कॉर्नर से इसको पब्लिश कर देना है। तो ये हमारी सेटिंग हो गई। एक सेटिंग और करते हैं, फिर मैं आपको इस ऑप्शन को शो करवाता हूँ कि ये ऑप्शन कैसे काम करता है। अब सेटिंग के अंदर आप दोबारा आएँ तो यहाँ से आप देखें यहाँ पे करेंसी जो है अभी यूएस डॉलर के अंदर आ रही है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने ये जस्ट करेंसी शो करता है जब आपका चैनल मोनिटाइज हो जाता है और आपकी अर्निंग जो हो रही होती है अब आपको डॉलर में नज़र आएगी। अगर आप किसी भी कंट्री के अंदर हैं तो आप अपनी कंट्री की जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, तो आपको जो आपकी अर्निंग है वो उस करेंसी में शो होना शुरू हो जाएगी। तो जस्ट इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देन यहाँ पे आपके जो है वो टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे विजिबिलिटी है, इसको अनलिस्टेड रखें, और यहाँ पे टैग्स है। अब अगर आप हर वीडियो के टैग्स उसी टाइम लगाना चाहते हैं तो इसको फिर अभी छोड़ दें, अदरवाइज़ आप जो टैग्स अभी अपने चैनल के ऊपर सेट करना चाह रहे हैं वो टैग्स हर वीडियो के अपलोड करने के ऊपर ऑटोमेटिकली आपके शो हो रहे होंगे, आपको वो दोबारा से लिखना नहीं पड़ेंगे अगर आप यहाँ पे कोई भी जो है वो टैग अभी ऐड कर देते हैं। अगर आपने हर वीडियो के ऊपर ऐड टैग जो है उसी टाइम करने हैं तो आप उसी टाइम भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये वाले जो टैग हैं ये हम लगा देते हैं यहाँ पे भी, तो ये जो टैग्स हैं अब जो भी वीडियो आप अपलोड करेंगे जिस टॉपिक पे करेंगे ये टैग्स आपको आपके शो होंगे, तो वो टैग्स जो आप चाहते हैं कि हर वीडियो पे मेरे कॉमन रहें वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, तो वो आपको दोबारा से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, आप जो भी वीडियो अपलोड करेंगे जो आप कॉमन डिस्क्रिप्शन रखना चाहते हैं यहाँ पे लिख दें, और जो भी वीडियो आप अपलोड करेंगे वो डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिकली ये पिक कर लेगा। उसके बाद आप जो न्यू लिखना चाह रहे हैं वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये वाली डिस्क्रिप्शन जो है ये ऑटो रहेगी। और अगर आप टाइटल देना चाहते हैं तो हर वीडियो का टाइटल फिर ये सेम वही उठाएगा, तो टाइटल आप जो है वो पहले से ना लिखें, टाइटल हर वीडियो का डिफरेंट जो है वो होता है। तो यहाँ पे आपने स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस ही रखना है, इसको चेंज नहीं करना। यहाँ पे अभी कैटेगरी नन आ रही है, तो जो भी आपकी कैटेगरी है, फॉर एग्जांपल आप एजुकेशन के ऊपर बनाते हैं, कॉमेडी के ऊपर करते हैं, किसी और चीज़ ब्लॉगिंग करते हैं,
तो कोई भी चीज़ जो भी आप कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी कैटेगरी चूज़ कर लें। फॉर एग्जांपल हम ये अपने पीपल एंड ब्लॉग्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपकी जो वीडियो की लैंग्वेज है वो आपने लाजमी सेलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वीडियो की लैंग्वेज हम सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ से हम उर्दू जो है उसको अगर हम पिक करें, तो आपकी जो भी है, पंजाबी है, सराकी है, पश्तो है, आप सिंधी बोलते हैं, कोई भी और लैंग्वेज आपकी जो भी है आप उर्दू में बनाते हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने उर्दू सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पे आप जो है वो कैप्शन सर्टिफिकेट अभी नन है, तो आपने जो है ये थर्ड वन जो है ये रखना है, दिस कंटेंट हैज़ नॉट एयर्ड ऑन US टेलीविजन। तो इसको आपने क्लिक करना है। देन आपने जो है वो यहाँ पे आप कोई और लैंग्वेज जो है टाइटल डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज वो ऐड कर सकते हैं। और देन जो कमेंट है कि आपने कमेंट हर बंदे को अलाउ करना है कि वो कमेंट कर सकें, मेरी रिकमेंडेशन यही है कि वही रखें कि हर बंदा जो है वो उसको अलाउ ऑल कमेंट्स इसको कर दें। और वो आपके जो रेटिंग है उस वीडियो के ऊपर के, कितने आपको लाइक्स मिले, कितने डिसलाइक्स मिले, वो लोग देख सकें या ना देख सकें वो आपकी मर्ज़ी है। यहाँ से अनचेक कर देंगे तो कोई नहीं देख सकेगा, यहाँ से चेक कर देंगे तो आपकी वीडियो जो है वो लोग देख सकेंगे उसके ऊपर कि उसकी रेटिंग क्या आ रही है। देन परमिशंस है कि आप किसी और को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, कि किसी को मैनेजर रखना चाह रहे हैं या कुछ और, तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। देन यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं जो आप अगर ऐड करना चाहें, मोस्टली जो है ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसको आप ऐसे ही रहने दें। देन लास्ट में एग्रीमेंट है, तो जस्ट आप इस सेटिंग को सेव कर दें तो ये आपकी सेटिंग सेव हो जाएगी। अब लास्ट में जो एक चीज़ रह गई थी कि ये वाला जो बटन हमने ऐड किया था, बेसिकली ये बटन आपका कैसे काम करता है। तो अगर हम अपने कंटेंट में जाएं, कंटेंट में जाने से हम अगर कोई भी वीडियो जो है वो यहाँ पे पहले इसकी जो वॉइस है वो क्लोज कर लेते हैं, और देन यहाँ से हम कोई भी वीडियो फॉर एग्जांपल चलाते हैं, ये वाली वीडियो अगर हम ऑन करते हैं तो ये देखें इस वीडियो के जो बिल्कुल एंड पे है ये वाली चीज़ आना शुरू होगी। तो अब कोई भी बंदा जो है वो आएगा और इसका अगर इस जगह पे वो क्लिक करेगा तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो सब्सक्राइब हो जाएगा आपका चैनल। तो ये सेटिंग थी। कोई भी और चीज़ आप पूछना चाह रहे हैं तो कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं, उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस जो हैं वो आप तक मिलती रहें। इससे पहले जो है वो काफ़ी एडमिशन इंटरनेशनल जॉब्स के बारे में वीडियोस अवेलेबल हैं, आप वो भी चैनल के ऊपर विजिट करके देख सकते हैं।